2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दिखाए भाजपा के चुनावी दांव इन चुनावों में विपक्ष का हथियार बनते दिख रहे हैं। राज्य में चल रही सियासी हलचल को देखकर लग रहा है कि जनता को साधने के लिए जद्दोजहद में जुटी सत्तारूढ़ भाजपा अपने ही फेंके पासों में फंसकर गद्दी से लुढ़क सकती है। कह रहे हैं क्योंकि 2022 विधानसभा चुनावों में जीत और भाजपा के दरमियान उसका अतीत अवरोध बन गया है। दरअसल सरकार बनने पर पार्टी ने कई बदलावों के दावे किए थे और उनमें से ही एक था राज्य को लोकायुक्त देने का वादा। भाजपा के 2017 के विधानसभा चुनाव के दृष्टि पत्र में सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर राज्य को मजबूत लोकायुक्त देने का वायदा शामिल था। सरकार तो प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में भाजपा की बन गई। पार्टी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने को भी है, लेकिन वादा धरातल पर अब तक सांस लेता नहीं दिखा। और वैसे अगर मामला सिर्फ हवाई दावों तक सीमित होता तो भी बात अलग थी, लेकिन यहाँ तो मुद्दा करोड़ों का है। कैसे ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जानेंगे कि लोकायुक्त दरअसल है क्या, उत्तराखंड में इसका इतिहास क्या है, क्या इसकी शक्तियां हैं और कैसे विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। सीधे सरल शब्दों में लोकायुक्त या लोकपाल को आप संस्था कह सकते हैं, ऐसी संस्था जो देश के राज्य गठित करते हैं भ्रष्टाचार के रोकथाम के मकसद से। इसका कार्य कार्यपालिका की कार्रवाइयों पर नजर रखना है। सरकार की कोई भी एजेंसी अगर अवैध या अन्यायपूर्ण कार्यवाही करती है तो लोकायुक्त ही वो कानूनी संस्था होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी पद का दुरुपयोग निष्पक्षता के आड़े न आए। लोकायुक्त का सचिव जिला और सत्र न्यायाधीश स्तर का होता है, जिसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। लोकायुक्त का वेतन और भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी शक्ति के तहत ये आता है कि लोकायुक्त किसी भी मामले की जांच के लिए टीम गठित कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के 20 से ज्यादा राज्यों में लोकायुक्त संस्था स्थापित हो चुकी है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें, 2002 से 2008 तक राज्य के पहले लोकायुक्त की जिम्मेदारी जस्टिस HSA रजा ने संभाली। उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस MM घिल्डियाल 2013 तक इस राज्य के दूसरे लोकायुक्त नियुक्त किए गए, लेकिन इसके बीच 2011 में उत्तराखंड में पहली बार लोकायुक्त अधिनियम पेश किया गया। तब तत्कालीन CM भुवन चंद खंडूरी का कार्यकाल जारी था। 3 सितंबर 2013 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन बाद में CM बने विजय बोगड़ा ने इसे निरस्त कर दिया। बोगड़ा सरकार ने खंडूरी का लोकायुक्त निरस्त कर अपना लोकायुक्त बिल पास कराया, जिसे राज्यपाल ने 26 फरवरी 2014 को मंजूरी भी दी। मंजूरी मिलने के बाद CM ने लोकायुक्त की नियमावली तैयार करने को कहा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। साल 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने इसे दोबारा विधानसभा में पेश किया। इस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार ने इसे खुद ही प्रवर समिति को भेज दिया। अब प्रवर समिति से विधायक सदन पटल पर क्यों नहीं आ सका, इसका किसी पर कोई जवाब नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा कहती है कि प्रवर समिति भी लोकायुक्त पर अपनी रिपोर्ट महीनों पहले सौंप चुकी है, लेकिन उससे संबंधित फाइल पर कौन से कोने में धूल जम रही है, इस पर भाजपा चुप्पी साधे बैठी है और उनके विपरीत कांग्रेस इसी मुद्दे पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने लोकायुक्त के मामले को चुनावी मुद्दा बना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लोकायुक्त के मामले में प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस की कमान संभाल रहे हरदा तो इतनी बार इस मामले में सवाल खड़े कर चुके हैं कि कोई गिनती नहीं है। अभी हाल ही में हरदा ने सरकार को कटघरे में फिर खड़ा किया था। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के लिए कतई बर्दाश्त न करने की नीति का ढिंढोरा पीटने के बावजूद लोकायुक्त के मुद्दे पर कुछ न करने का भी आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पंचायतों को भी लोकायुक्त के दायरे में लाएगी, जिसे सरकारी धन का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए हो। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 200 से 300 दिन के बीच लोकायुक्त लाए जाने की घोषणा भी की है। हालांकि राज्य को मजबूत लोकायुक्त कब मिलेगा, ये जितना बड़ा सवाल है उतना ही जरूरी हो जाता है ये सोचना कि प्रदेश में लोकायुक्त जब है ही नहीं तो सालों से लोकायुक्त कार्यालय पर करोड़ों रुपए खर्च कैसे और क्यों किए जा रहे हैं। हैरानी की बात है, लेकिन लोकायुक्त के नाम पर न सिर्फ ऑफिस चल रहा है बल्कि सचिव समेत 1.5 दर्जन से अधिक स्टाफ भी यहाँ तैनात है। कार्यालय की मेंटेनेंस के साथ साथ स्टाफ की तनख्वाह पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। आंकड़े तो करोड़ों के खर्चे की तस्वीर दिखाते हैं। लोकायुक्त कार्यालय पर 2013 से 14 में 1,62,00,000 रुपए खर्च किए गए। 2014 से 15 में 1,45,00,000 रुपए खर्च हुए। 2015 से 16 में 1,33,00,000 रुपए खर्च किए गए, तो 2016 से 17 के बीच 1,76,00,000 रुपए यहां खर्च हुए। 2017 से 18 में 1,88,00,000 रुपए खर्च किए गए। 2018 से 19 में 2,13,00,000 रुपए खर्च हुए।
2019 से 20 में 2,09,00,000 रुपए खर्च हुए तो 2020 से 2021 में 1,10,00,000 रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर पिछले 7 सालों में 13 करोड़ से अधिक की धनराशि लोकायुक्त कार्यालय पर खर्च हो चुकी है। तब ऐसे में लोकायुक्त ना होना अगर समस्या है तो उस पर इतनी बड़ी धनराशि का बहाना अपने आप में सवाल, और ये एक सवाल सीधा साधा प्रदेश सरकार पर, उसकी मंशा पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके रवैये पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।